रावत साहब जी, मौलाना साहब ने कहा कि वो आलिम हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कम नुकसान है, हिंदुओं को ज़्यादा है। तो हम कह रहे कि आप हिंदुओं के नुकसान का फिक्र छोड़ो, हो जाने दो, एक बार नुकसान झेल लेंगे हिंदू। नहीं, आपको तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, आपने कही दिया, तो आप मुंह उधर करो, इधर पारित करा देते हैं। नहीं रावत साहब, आप नुकसान झेल लेना, थोड़ा अब छोड़ो, कहाँ चक्कर पड़ना है, हम नुकसान झेलेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू भी राजी मुस्लिम भी राजी। रावत साहब जी, अमिताभ जी, मौलाना साहब की जो बोलने का जो तरीका था ना, उसमें दोहरापन था, यानी वो हिंदुओं को दलितों को नुकसान ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो उनका जो बेग था बात करने का, उससे ऐसे लग रहा था कि अंदर उनको कष्ट है। जब नुकसान दलितों को है, जब नुकसान हिंदुओं को है मौलाना साहब, तो आपको क्यों टेंशन है, आप तो बोलो भैया पास कर दो इसको, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों को और हिंदुओं को, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, तो आपको तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अब 23 बच्चे जिसने पैदा करें, वो 40 करे 50 करे, जो भी करे, नुकसान तो उसी को होना ना, हिंदुओं को, और अगर दलितों को हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ बकबोर्ड की जो जमीन है, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो बकबोर्ड की जमीन फालतू की पड़ी हुई है, उठा करके दलितों को दे दो कि भैया ये बांटो आप, और मैं तो आपके लिए लड़ता रहता हूँ हमेशा टीवी पे अमिताभ जी के साथ में, तो ये बकबोर्ड की जितनी भी जमीन है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसा न कराओ बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं, बवाल क्या, जब दलितों के हितैषी बनते हैं ये सारे के सारे, और आदिवासियों के हितैषी बनते हैं टीवी के ऊपर कि भाई हिंदुओं ने दलितों के साथ नुकसान किया, फलाना किया, ढेकना किया, अरे हम तो पहले ही अपनी जमीनों को दे बैठे हैं, लेकिन अब आप बकबोर्ड की दे दो, क्या दिक्कत है। इसलिए मौलाना साहब, कोई भी देश के लिए उन्नति के लिए एक जैसा कानून बहुत जरूरी है, उसमें चाहे नुकसान हिंदू को हो, चाहे दलित को हो, चाहे आदिवासी को हो, चाहे जी। त्रिपाठी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात स्थापित होनी चाहिए आवाम के सामने, भारत में अब तक के ज्ञात इतिहास में दलितों की वंचितों की जो सबसे बड़ी प्रामाणिक आवाज है, प्रामाणिक चेहरा है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में एक सिविल कानून होना चाहिए, संविधान सभा के पटल पर कहा, तो हम उनकी बात मानेंगे या हम मौलाना नदीमुद्दीन साहब की बात मान ले कि दलितों को नुकसान होगा। बाबा साहब से ज्यादा कोई दलितों के बारे में सोच सकता है क्या, उनसे ज्यादा कोई दलितों के लिए लड़ सकता है क्या। दलित अगर किसी को देवता की जगह पूजा करते हैं, दलित के पूजा घर में जिसकी फोटो है वो बुद्ध के बुद्ध हैं और बुद्ध के बाद बाबा साहब हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करिए, बताया जा रहा है दलितों को नुकसान, तो ठीक है दलित तो कह देंगे, जब बाबा साहब ने हाँ बोला तो ठीक है। मैं फिर कहता हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात, अगर नरेंद्र मोदी ने वो यूसीसी लागू किया तो बाबा साहब की इच्छा को पूरा करने वाले नेता के तौर पर स्मरण होंगे वो इस विषय में, ये ध्यान रखिए मेरी बात। अगर भारत में यूसीसी लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी बाबा साहब के इस बड़ी इच्छा के को पूरी करने वाले व्यक्ति के रूप में इतिहास में स्मरण कर ही जाएंगे। त्रिपाठी साहब, अच्छा एक जो आप लोगों ने जाति का एक मसला छेड़ा था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसके चैंपियन थे पूरी पॉलिटिक्स के, जो जाति का मसला, जैसे राहुल जी तो मानते हैं कि देश की गाड़ी में स्टार्ट ही वो तब होगी जब पहले ये पता लग जाए कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने काछी हैं, कितने अहीर हैं, कितने धानुक हैं, इसकी गिनती लाओ पूरी, गड़रिया कितने हैं, बहेलिया कितने हैं और सब। अखिलेश जी भी वैसे कह रहे भाई 90% PDA एंड ऑल। क्या ये UCC का कार्ड, आपका जो कार्ड है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट है, उसको ओवरशेडो करने के लिए लाया गया है? आपको लग रहा फिर ये बात कुंद हो जाएगी, अगर UCC आ जाएगा तो वो एक अम्ब्रेला हो जाएगा जिसके नीचे पूरा भारत खड़ा है, क्या ठाकुर क्या बामन है और क्या शेख और क्या पठान। त्रिपाठी जी जी, अमिताभ जी मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से ये जान रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार का कोई उद्देश्य लोगों के भले के लिए नहीं है, सिर्फ लड़ाने के लिए, विभाजन के लिए, नफरत के लिए है। अगर जो हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो उसके आधार पर आगे भी हम ये कहते हैं कि उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चंद लोगों का कब्जा नहीं रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर जो आप ये जो अभी कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अब तो सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि सेकुलर सिविल कोड आएगा, पता नहीं इसमें क्या आएगा, लेकिन क्या आप HUF को खत्म करेंगे या मुस्लिम यूनाइटेड फैमिली को भी उसमें शामिल करेंगे? क्या करेंगे एक बार आप बताएंगे ना, तब तो देश ये विचार करेगा कि आप करने वाले क्या हैं। क्या HUF को खत्म करने वाले हैं? और खत्म करने वाले हैं तो इसका देश में क्या सर्वे है और लोग क्या चाहते हैं? बहुत सारी ऐसी तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई भी काम इस देश की जनता के भले के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान की तरह से चीजों को लाना है। UCC पे आप स्टडी कराइए, आप बताइए और इसको क्यों रखा गया था DPSP में, इसीलिए कि सरकारें इस पे काम करेंगी। जब देश समृद्ध होगा, लोग समझदार होंगे, जब शिक्षा सभी तक पहुंच जाएगी। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने लोग इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ रहे हैं? आप उस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ जुमले। अभी भी मैंने कहा तो फिर कह रहा हूं अमिताभ जी, ये जुमला ही साबित होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ विभाजन करने के लिए, बांटने के लिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। आप बताइए कितने लोग DPSP इस देश में समझते हैं, कितने लोग कानून की भाषा इस देश में समझते हैं? और आप ये कहते रहिए कि नहीं हम साहब एक कानून करने जा रहे। BNS आपने बनाया, क्या किया? आज पूरी की पूरी अपराध संहिता में सिर्फ नंबर उसका बदल देने का काम है और कुछ नहीं। उससे लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर जो जमीन पे आप देखिए, तो ऐसे तुगलकी फरमान लागू करना इस सरकार की एक जिद बन गई है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे BNS हो, चाहे भारतीय साक्ष्य संहिता हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर बदलना उन्हीं चीजों को, क्योंकि नया तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई विजन है नहीं आपके पास। ठीक है तिवारी, ठीक है लाने की कोई सोच नहीं है। अभी रुकना होगा, मैं ऋचा जी के पास चलूँ, लेकिन मैं कहूँगा जो नए कानून आए वो कानून आने ही चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई मेरे भाई। जब वो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे तब में अब में तो आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क आ गया। क्यों नहीं बनने चाहिए नए कानून? और ये बात कहना कि त्रिपाठी जी आपने कि अभी नीचे बड़ा कंफ्यूजन है कानून के नाम में, अरे भाई नई किताब कोर्स में जब भी लागू करोगे मेहनत ज़्यादा लगेगी याद करने में। जब अंग्रेज ये कानून बना, इंडियन पेनल कोड बनाए थे, तब उस वक्त के वकीलों को पहले से याद था नहीं ना? 10-5 साल उनको भी लगे रट्टा मारने में, इसमें भी लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कानून कभी नहीं बदले। मैं तो कह रहा पुलिस एक्ट भी बदलो भाई। 1861 का पुलिस एक्ट क्यों चलेगा? 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उन्होंने 61 में पुलिस एक्ट थोप दिया। क्यों चले पुलिस एक्ट? फिर कहे हमारे मित्र पार्टी जी कहेंगे कि नहीं कप्तान साहब को और दरोगा जी को उसमें याद करने में दिक्कत आ रही। अरे तो ज्यादा पढ़ाई करो यार, कानून तो बदलेगा ना। हमारे समय में जो 5वें में किताब चलती थी वो हमारे बच्चे के समय में तो नहीं चल रही। और जब एक बात होती है कि ये विभाजन का मामला है, ये बात मैं समझ नहीं पाता कि दो कानून अलग अलग रहें एक ही विषय पर उससे विभाजन होता है, या एक कानून आ जाए एक विषय पर उससे विभाजन होता है। आप ऐसे बच्चा गोद लेंगे, ये इन पर नियम यही चलेगा, इससे विभाजन हो रहा है। या बच्चा गोद लेने की एक ही व्यवस्था भारत में होगी, इससे विभाजन होगा। ऋचा सिंह जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और कांग्रेस कह रही है कि ये कानून की भाषा तो लोग समझते ही नहीं। मुझे लगता है कि कानून सब जानते हैं, कानून की भाषा, कानून के किताब की वाली भाषा नहीं जानते। लेकिन ये तो जानते हैं कि क्या अपराध करेंगे तो दंड क्या मिलेगा। सामान्य व्यक्ति के लिए, ननकू और रज्जा के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है। बाकी हरीश साल्वे और लक्ष्मी और अभिषेक सिंह भी क्या विषय है, ननकू रज्जा के लिए इतना ही जानना बहुत है। मौलाना साहब नहीं कि औरत को मार के बाहर निकालेंगे तो दरोगा जी आएंगे, कान के नीचे 2 सटाक से देंगे और थाने में अंदर कर देंगे, इतना जान ले बहुत है। उसको अंग्रेजी में जानने की क्या जरूरत है? कान के नीचे अंग्रेजी हिंदी थोड़ी ना होती है, तो पढ़ा और अंदर जा अंदर। और ननकू की बीवी भी जान लेगी रज्जा की कि हमारे साथ इनने हलाला मलाला किया तो हम इनका जलाला कर देंगे अभी तुरंत थाने जाके, इतना ही तो जानना है। बाकी तो वकीलों को जानना है। ऋचा सिंह जी, बिल्कुल आदरणीय अफसर, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ना जाने किस पिछड़ी सोच में जी रहे हैं। देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस देश के नागरिकों को अपने संविधान के विषय में भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। जो संविधान ने चाहे आरक्षण के प्रावधान किया, संविधान ने जो भी नागरिकों को अधिकार दिए, साथ ही साथ उन्हें इस देश के कानून के बारे में भी पता है। तो केवी त्रिपाठी जी अब अपनी पिछड़ी सोच छोड़ दें और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो विश्व पटल पर आज भारत एक सबसे बड़ी पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है, लेकिन आपकी नकारात्मक राजनीति में आप प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। आप जिन बातों को जुमला कहते हैं उन सभी बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कटिबद्धता से और प्रतिबद्धता से इस देश में लागू किया है। धारा 370 जो इस देश में कलंक की तरीके से थी उसको हटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इस देश में महिला आरक्षण बिल जो कि सदियों से अटका पड़ा हुआ था, जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को बरगलाने का काम करती थी, उसको प्रतिबद्धता से लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान के आर्टिकल 44 में देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो धारणा दी है, जिसको लागू करने की बात की है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता से लागू करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जुमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 50 के दशक से इस पर स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी हमने यूसीसी, ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए देश के विकास का मुद्दा है, ये हमारे लिए देश की अखंडता और एकता का मुद्दा है और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। केवी त्रिपाठी जी, आप कहिए ना कि आप अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, आप अल्पसंख्यक महिलाओं को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं ताकि उनके साथ 3 तलाक जैसी घटनाएं हो, उनको हलाला के गर्त में धकेल दिया जाए, उनको उत्तराधिकार कानून से वंचित कर दिया जाए, उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और केवी त्रिपाठी जी, आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, आप जब देश की बात करते हैं और आप जब अभी जिन बातों को कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो आज स्पष्टता से और दृढ़ मजबूती से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर प्रमुखता और मुखरता से अपनी बात कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो फर्जी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए है, जिसके लिए सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको हिंदू शब्द कहने में या हिंदुओं के ऊपर दुनिया में कहीं पे भी अगर अत्याचार हो तो उस पर उसकी जबान नहीं खुलती है। आप फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता हो रही है। और मैं मौलाना साहब से भी एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ। मौलाना साहब इस बात को कह रहे थे कि हिंदुओं को और दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मौलाना साहब, एक बार बांग्लादेश में जिस तरीके से दलित हिंदुओं को काटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, इस ब्रूटल तरीके से उनका रेप किया जा रहा है, इस पर भाई अपना स्टैंड स्पष्ट करते तो अच्छा होता। ठीक है, ये देश एक विधान से, ठीक है ऋचा, प्रधान से समय कम है। मौलाना साहब, अच्छा चलो, ये तो बहस मुंडे मतलब भिन्ना बहस चलती रहेगी, लेकिन आप अपने सोच से बताओ कि लागू हो जाएगा ना यूसीसी? अब की क्या वाइब्स आ रही हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये लागू होगा। अच्छा, अगर हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि लागू होगा। एपी जो है बीजेपी के हवाले होगा। जो जहां तक मुझे मालूम है कि चंद्राबाबू नायडू, नीतीश इसमें हाथ डालने वाले नहीं है, मगर होगा तो होगा। मैं एक और बात अभी बता रहा हूँ। हमारी बहन जो कह रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिलाओं की बड़ी बात कर रही थी, हितैषी हैं ये बेचारी, इनको यही नहीं मालूम है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी पार्टी में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक मुसलमान MLA नहीं है, एक मुसलमान MP नहीं है। अरे, मुस्लिम महिलाओं की चिंता करने वाली हमारी बहन, एक मुसलमान को MLA तो बनाओ, विधान परिषद की मेंबर तो बनाओ, वो छोड़ो। एक मिनट नहीं, सुन लीजिए। सुनो, मुस्लिमों के या धर्म के आधार पर किसी भी नीति में भारतीय जनता पार्टी भैया मौलाना साहब, ठीक है, ठीक है, जो धर्म का नाम भाई समय का। मैं ऋचा जी अभी रुकना होगा। मौलाना साहब आगे बात, ऋचा जी अभी रुकना होगा।